भाई क्या हो रहा है? डरिए मत, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव बोलूँगा। देखिए, मुझको इतनी उम्मीद नहीं थी कि पार्ट वन, जो सेट वन मैंने हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो अपलोड करा था इस बुक का, उसका रिस्पांस इतना पॉजिटिव आएगा। अच्छा, आपको पता है कि पहला वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 से लेकर के 1918। सेकेंड 1939, 1945। तीसरा वॉर, जी हाँ, कल होने वाला था, रुक गया। कमेंट्स मैंने हैंड रिमूव करे। देखिए, हरियाणा के लोग रियल में काफ़ी प्यारे होते हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे पॉजिटिव रिस्पांस दिया, पॉजिटिव सपोर्ट करा, मैक्सिमम लाइक करा। और जो बच्चे इस चैनल को सस्पेंड करना चाहते थे, वो एक्चुअली बच्चे नहीं हैं, वो खुराफाती बच्चे होते हैं, वो कैटेगरी कुछ और ही होती है। तो उनको भी काफ़ी गलत बोला। देखिए, गलत नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, गुस्सा आता है आपको, गुस्सा मुझको भी उस टाइम पे आ रहा था थोड़ा बहुत, आपके ऊपर नहीं उनके ऊपर। तो अब थोड़ा सा फीडबैक मुझे लग रहा है पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि आपके लाइक मिल रहे हैं, शेयर मिल रहे हैं, और आप सभी वीडियो को ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं। 93% ऑनलाइन वीडियो का स्केल गया है उस वीडियो का, सेट वन का। तो जितना ऑनलाइन वॉच करेंगे, जितना शेयर करेंगे, उतना ये चैनल सिक्योर रहेगा। जिस दिन आपने ऑफलाइन देखना शुरू कर दिया, शेयर कम करना शुरू कर दिया, लाइक कम करा, तो ऑटोमेटिक ये चैनल पूरा का पूरा सस्पेंड हो सकता है। तो बचा लीजिए इस चैनल को और अपनी एजुकेशंस को। मैं लाते रहूँगा कंटिन्यू, जब तक तो ये चैनल जिंदा है तब तक। तो ठीक है, अब हम आते हैं बात मुद्दे की। देखिए, ये जो बुक है, आपको पता होगा मैं किस बुक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, और आपको ये भी पता होगा सिलेबस क्या है, कितने क्वेश्चंस आने हैं, पेपर में नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है। आपने जब फॉर्म भरा होगा, ये आपको पता होगा, ये सब चीज़ें। तो शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। अगेन आपको बोलूंगा, लास्ट टाइम मैंने आपको टारगेट दिया था 24 घंटे में कितने लाइक का, 100 लाइक का। इस बार मैं आपको देता हूँ 110 लाइक का, 24 घंटे में 110 लाइक। ज़्यादा नहीं है, 10 मैंने इंक्रीज करे हैं। तो लाइक का बटन अभी प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर करना वीडियो को देखने के बाद में, और आपके जो भी राय होती है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट्स लिख कर भेजना, फिर मैं उस पर विचार करता हूँ। अगर को लगता है कि जेन्युइन रीज़न है, कुछ नया बनाना चाहिए, तो मैं उस पर पूरा आपको सपोर्ट करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, 1 से लेकर के 100 तक की काउंटिंग अपने A4 पेज पे लिख लो, या फिर OMR शीट जो आती है उसको आप उठा लीजिए, डायरेक्ट उस पर टिक लगाइए अपने आंसर को। दोनों में से कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर वन, पहला क्वेश्चन सी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है इसमें। तो हरियाणा का प्राचीन स्थल जो है वो है मीठा तल, किस जिले में अवस्थित है? तो मीठा थल के बारे में बात कर रहा है कि ये कौन से जिले में स्थित है हरियाणा के। जो स्टूडेंट वहाँ से बिलोंग करते हैं उनको इसका पता होगा राइट आंसर क्या है, लेकिन जो अदर स्टेट के बच्चे हैं शायद उनको ना पता हो, लेकिन फिर भी ट्राई करिए, ट्राई करने में हर्ज नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 8 सेकेंड में आपको आंसर देना है। चलिए, मैक्सिमम आप 10 सेकेंड ले लीजिए एक क्वेश्चन पे। राइट आंसर बताऊं? देखिए, रोहतक, सिरसा, भिवानी, बहादुरगढ़। तो इन 4 ऑप्शंस में से राइट आंसर आपको चूज करना है। तो उसका राइट आंसर रहेगा आपका सी, भिवानी। भिवानी में क्या है? भिवानी में है आपका मीठा तल। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू हमसे कहता है कि तोमर शासन काल की जानकारी किस ग्रंथ में प्राप्त होती है? तो किस ग्रंथ में तोमर शासन काल से संबंधित सभी जानकारी हमको मिलेगी? तो उस ग्रंथ का नाम, 4 ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर टू, इसका जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा आपका ए, यश स्थलक चंपू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, बाल मुकुंद की रचना का नाम क्या था? ये व्यक्ति का नाम है और हमको इनकी रचना का नाम पता करना है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने। नो लाइफलाइन, आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। ज्ञान है तो सही आंसर दीजिए, अगर चारों में कंफ्यूजन है तो कोई भी ऑप्शंस पिक मत करना। दो में डाउट हो रिस्क ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड,
सही जवाब इसका बनेगा आपका डी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 1880 ईस्वी में स्वामी दयानंद ने कहाँ पर आर्य समाज की एक शाखा स्थापित करी? रेवाड़ी, हिसार, सिरसा, भिवानी। क्वेश्चन नंबर 4, सही जवाब रेवाड़ी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हरियाणा में सर्वाधिक झाड़ियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? पंचकुला, फतेहाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव। राइट आंसर इसका बनेगा आपका डी, गुड़गांव। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फूल की खेती की जाती है? यहाँ पूछ रहा आपसे फ्लावर का नाम। गुलाब, गेंदा, रजनीगंधा या फिर गैल्डियोलस। इस पे आप टाइम ले लीजिए, काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस है, लेकिन इसका आपको सही आंसर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 6, राइट आंसर है इसका डी। क्वेश्चन नंबर 7। राज्य के भिवानी जिले में सघन पशु विकास परियोजना, नाम याद रखना याला, सघन पशु विकास परियोजना कब आरंभ की गई थी? वो वर्ष हमको पता करना है, 1996, 1970, 1972 या फिर 1978, 1978। तो ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 7, सही जवाब सी, 1972। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस परियोजना को देश के उत्तरी क्षेत्र की प्रथम मेगा परियोजना घोषित किया गया? किस पर फोकस करना, अगर आपको नहीं पता उसका आंसर तो उसको कहीं पेपर में नोट कर लेना, अपने नोट्स में कहीं पर इसको नोट करिए। राइट आंसर चूज करिए पहले अपना आप। क्वेश्चन नंबर 8, सही जवाब इसका बनेगा आपका बी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हरियाणा के किस जिले में अमोनिया प्लांट स्थापित किया गया? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमोनिया प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया? पानीपत, गुड़गांव, कैथल, करनाल। क्वेश्चन नंबर 9, राइट आंसर ए, पानीपत। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। हरियाणा राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति की शुरुआत हुई 2000 में, 2005 में, 2004 में, 2010 में। सही जवाब ए। क्वेश्चन नंबर 11। राज्य के किस जिले में पक्की सड़कों का घनत्व सबसे कम है? भिवानी, जींद, सिरसा, रोहतक। क्वेश्चन नंबर 11, सही जवाब जो बनेगा इसका वो बनेगा आपका जींद। विजयानंद मासिक पत्र किसने निकाला? ये एक्चुअली एक मैगजीन है, मंथली मैगजीन है, इसका नाम है विजयानंद। ये किसने निकाला उसका नाम पूछ रहा है हमसे, तो इसका राइट आंसर है आत्माराम जैन। क्वेश्चन नंबर 13 है, बंडा किस प्रकार के गीत है? विवाह गीत, जन्म गीत, सावन गीत, धार्मिक गीत। क्वेश्चन नंबर 13, राइट आंसर है इसका ए, विवाह गीत। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, डफ वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस नृत्य में किया जाता है? धमाल, रसिया, रास या लूर। 10 सेकंड से ऊपर आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्वेश्चन रीड प्लस आंसर दोनों चीजें आपको इसमें कवर करनी है 10 सेकंड के अंदर, तो प्लीज स्पीड को मेंटेन करके चलिएगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो इस वीडियो में अगेन मैं आपको याद दिलवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, राइट आंसर है आपका ए, धमाल। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, दाएं पैर की खुजली घोतक है किस चीज का? यात्रा का, दुर्घटना का, बीमारी का या फिर विवाह का? देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन एक बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, हरियाणा के एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है,
एग्जाम का नाम मुझे याद नहीं कि किस एग्जाम में पूछा गया था। अब देखिए, दाएं पैर में अगर आपको खुजली लगती है तो क्या होता है इसका मतलब? 15 कहते हैं, पैरों में खुजली लग रही है मतलब घूमने का विचार बन रहा है क्या? यात्रा करनी है, ट्रैवल करना है, कहीं तफरी मार के आनी है, तो इसको बोलते हैं यात्रा का। क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्य में संस्कृत भाषा का विकास किस काल में हुआ था? 16 राइट आंसर है इसका ए, 600 ईसा पूर्व। देखिए, पास में एक सब्जी वाला है तो वो हमारे फ्लोर में सब्जी बेचने आ रखा है, तो उसकी आवाज़ शायद आपको आ रही होगी, डिस्टर्ब कर रही होगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि एक्चुअली वो अपना काम कर रहा है, भाई रोजी रोटी उसको कमानी है, तो वो चिल्लाएगा तभी तो ऊपर फ्लोर तक उसकी आवाज़ पहुँचेगी। वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम करते हैं भाई, हमारा कैरियर ना तो एक सब्जी वाले के हाथ में है ना उसकी आवाज़ के हाथ में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लीज़ पढ़िए, इतना डिस्टर्बेंस आपको नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि होली से चैत्र सुदी त्रतिका तक कौन सा उत्सव मनाया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने, 17 राइट आंसर आपका डी, गणगौर पर्व। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कुरुक्षेत्र में सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बाबा भैरवनाथ, बाबा मस्तनाथ, बाबा आदिनाथ, बाबा श्रवणनाथ। चारों ऑप्शंस आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 18 राइट आंसर इसका बनेगा आपका श्रवणनाथ। ऑप्शंस आपको एग्जाम में क्या पता है बाबा ना लिख के दे, डायरेक्ट इनका नाम लिख के देगा, तो भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। देखिए, 18 क्वेश्चन हमने अब कवर करे अब तक इस वीडियो में। अगर आपके नेगेटिव ज़्यादा काउंट हो रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपका स्कोर नहीं आ रहा, तो प्लीज़ आपको डीमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी स्टेट की कोई भी जो बुक होती है जिसमें आपके स्टेट का सामान्य ज्ञान होगा हरियाणा का, उसको परचेस करो। कोई भी बुक ले लो, पब्लिकेशंस कोई भी चलेगा, मैं डेडिकेटेड किसी पब्लिकेशंस को रेफर नहीं करूँगा। उसके बाद में आपको पढ़नी है लूसेंट बुक। मैं इसकी तारीफ इसलिए करता हूँ क्योंकि ये बुक जो है ना, जो आप देख रहे हैं सामने ये वाली बुक, ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके हर एक स्टेट में काम आएगी। इस बुक को और अपनी स्टेट की जीके की बुक को पैरेलल समानांतर चलते चले जाओ, मतलब पढ़ते चले जाओ उसको। इस बुक को आप चाहें तो खुद स्टडी कर सकते हैं। इस बुक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट केवल पढ़ने हैं आपको, वो आपको बताया गया है इस बुक के वीडियो में। इस बुक का कंप्लीट वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो चुका है, प्लेलिस्ट में आप जाइए, या फिर आप जा सकते हैं डिस्क्रिप्शंस बॉक्स पर। डिस्क्रिप्शंस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, तो आपको इन सभी वीडियो के प्लेलिस्ट के लिंक आपको मिलेंगे कुछ इस तरह से। जैसे पहला लिंक होगा आपके सामने ये लूसेंट वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव जो बुक है उसके बारे में, तो उसी में आप देखना लूसेंट जी के वीडियो प्लेलिस्ट कहाँ पे होगी। सीधे उसी लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक वो लिंक आपके सामने ओपन हो जाएगा। चैप्टर वाइज, पार्ट वाइज सिलेक्टेड करके अपने अकॉर्डिंग आप जो आपको लगे कि सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, आपको लगता है साइंस पढ़नी चाहिए तो आप साइंस पढ़ लेना, हिस्ट्री आपको लगती है इंपॉर्टेंट है। देखिए, बुक तो आपको कंप्लीट खत्म करनी पड़ेगी, लेकिन वीडियो देखते समय एक गुजारिश है आपके सामने मेरी कि इस बुक को अपने साथ में जरूर रखिएगा। जो जो पॉइंट आप वीडियो में सामने देखेंगे, केवल उतने ही पॉइंट आपको हाईलाइट करने हैं, राइट? तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चंस की ओर। प्लीज़ 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 आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। हरियाणा के जितने भी स्टूडेंट हैं, सब्सक्राइबर जितने भी हैं, जितने भी एस्पिरेंट हैं, उनको मैं डीमोटिवेट नहीं होने दूंगा, क्योंकि एक्चुअली देखो सभी सब्सक्राइबर मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डीमोटिवेट होने का कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ, जो कमी है उसको कैसे इम्प्रूव करा जाए, कमी को कैसे सुधारा जाए, अपनी खामी को कैसे ठीक करा जाए, तो उसके प्रति विचार करना चाहिए इंसान को। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 13 अप्रैल 1966 को जैसी शाह की अध्यक्षता में बने सीमा आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? क्वेश्चन नंबर 19, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। 19 सही जवाब जो बनेगा, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, इसको कहीं पेन डाउन कर लेना।
आगे है एमिटी वीवी, हरियाणा के डैश नगर में स्थित है। ये कैपिटल लेटर में ए होगा, अमिटी आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 20, राइट आंसर है आपका मानेसर। आगे बात करते हैं, कुवैत में 5वीं एशियाई ट्रैक एंड फील्ड मीट का आयोजन कब हुआ था, जिसमें हरियाणा के खिलाड़ी थे एक चांद राम ने 20 किलोमीटर पैदल चाल में पुनः रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 21, राइट आंसर निकालिए इसका। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, 0 से 6 आयु वर्ग में हरियाणा का लिंगानुपात कितना है। चार ऑप्शन आपके सामने, हरियाणा का लिंग अनुपात पूछ रहा है 0 to 6, कंफ्यूज मत होना, 0 to 6 के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, राइट आंसर है इसका डी, 8:34। क्वेश्चन नंबर 23, हरियाणा सरकार ने राजीव गांधी परिवार बीमा योजना शुरू की थी कब। ए बी सी डी। 23, सही जवाब है इसका सी, 1 अप्रैल 2006। क्वेश्चन नंबर 24, राव तुलाराम का जन्म किस जिले में हुआ था। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर, भिवानी। क्वेश्चन नंबर 24, राइट आंसर सी, झज्जर। क्वेश्चन नंबर 25, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन हरियाणा राज्य के इस नगर में अवस्थित है। पंचकुला में, कैथल में, फरीदाबाद में, गुड़गांव में। क्वेश्चन नंबर 25, राइट आंसर ए। बहुभुज भिन्नता का सर्वोत्तम एग्जाम्पल है कोको, कैप्सिकम, सिट्रस या फिर साइकस। 26, सही जवाब सी, सिट्रस। क्वेश्चन नंबर 27, वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निक्षालन की ओर प्रवृत्त करती है या होती है, वह मिट्टी क्या कहलाती है। लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 27, राइट आंसर बी, लेटराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 28 है, मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं क्या, कार्टोग्राफी, जियोग्राफी, कार्पोलॉजी या फिर जियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 28, राइट आंसर है ए, कार्टोग्राफी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि सूर्य को देखा जा सकता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्णोष्ण क्षेत्रों में, आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में सूर्य ग्रहण के समय कहीं भी। ज्योग्राफी पढ़ी होगी आपने, ज्योग्राफी कवर करा होगा आपने, तो उसका आपको राइट आंसर पता होगा। नहीं पता तो कोई बात नहीं, लो आ गया आपके सामने राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ होता है। जो ये शब्द है मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ क्या होता है। संध्या प्रकाश, उदयमान सूर्य, बहुत चमकदार चंद्रमा, सूर्य का ध्रुवीयव्रत में देर तक चमकना। राइट आंसर है इसका टी। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत शक्ति का योगदान है लगभग कितना। आधा, एक तिहाई, एक चौथाई या फिर डी। डी का ऑप्शन सही नहीं, तो 31 राइट आंसर इसका रहेगा आपका डी, जिसको भी ऑप्शन नहीं है। इसका राइट आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके। ये क्वेश्चन है आपके लिए, क्रॉस चेक करिए, नेट पे चेक करिए, विकिपीडिया, गूगल बुक, ज्योग्राफी, कोई कोई भी बुक उसमें उठाइए, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये एक्चुअली कहीं ना कहीं अभी करंट अफेयर से क्वेश्चन भी बनेगा, थोड़ा चेंजेस में हुआ डाटा, हो सके तो इसको गूगल सर्च करना। आप लोग बढ़े आगे, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। हुबली, नई दिल्ली, मुंबई, जबलपुर। क्वेश्चन नंबर 32, राइट आंसर है इसका सी, मुंबई। देखते हैं इसका आंसर कितने लोग मुझे भेजेंगे। 31 का फाइनल स्कोर तो मुझे बहुत कम ही भेजते हैं बच्चे कि मेरा फाइनल स्कोर ये रहा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इस बार आप मुझे फाइनल स्कोर भेजेंगे अपना, कि आपने कितने अटेम्प्ट करे और कितना आपका फाइनल स्कोर बना, और इसका राइट आंसर आप मुझे पक्का भेजेंगे। क्वेश्चन नंबर है 33,
जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल या फिर उड़ीसा? 33 राइट आंसर, इसका होगा ए, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 34, किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हुआ? महेंद्र वर्मा, सीमा विष्णु, नरसिम्हा वर्मन या फिर महेंद्र वर्मन? 34 राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में अवस्थित है? 35 राइट आंसर बी, बिहार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, स्वयं को दूसरा सिकंदर, सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? एग्जाम में आपसे ये भी कह सकता है क्वेश्चंस में कभी कभी कि सिकंदर ए सानी के नाम से कौन व्यक्ति फेमस था, कौन सा शासक फेमस रहा, उसका नाम बताइए। तो देखिए, क्वेश्चंस की जो स्टेटमेंट है वो आपके एग्जाम में आपको चेंज मिल सकती है, तो आपको हर एक क्वेश्चंस को कम से कम 2 से 3 तरीके से पढ़ना चाहिए कि ऐसे नहीं तो ऐसे पूछा, कहीं मैं कन्फ्यूज नहीं हो जाऊंगा। अब हम पढ़ते हैं कि स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था। सिकंदर सानी पर हमने फोकस नहीं करा अभी, अगर इनके सम मानते और एग्जाम में आपको सिकंदर सानी ही दे दिया तो वहाँ पे आप कन्फ्यूज, वहाँ पे आप ये क्वेश्चंस छोड़ के आ जाएंगे या फिर आंसर आपको गलत लगेगा। तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा टाइम लेके पढ़िए, बट 10 सेकंड या 12 सेकंड से ऊपर टाइम मत लीजिए। 10 सेकंड से जैसे ही आपने टाइम ऊपर लिया तो आगे जो आपके मैथ के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैथ में एक्चुअली आपको क्या करना पड़ेगा, मैथ में आपको पेन पेपर उठाना पड़ेगा, वहां पर जो टाइम खर्च होगा आपको इसमें से वो टाइम बचा करके वहां पे लेके जाना है, वहां पर यूज करना है मतलब। तो क्वेश्चन नंबर 36 राइट आंसर है आपका बी, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 37, एनालेक्टस जो ये पवित्र ग्रंथ है ये किसका नाम है? ये पवित्र ग्रंथ किसका है एक्चुअली? चार ऑप्शन आपके सामने, 37, और ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। हरियाणा पुलिस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हरियाणा क्लर्क में पूछा गया है कई बार ये क्वेश्चंस। तो एक्चुअली इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, हरियाणा का आपको कोई भी एग्जाम क्यों ना हो वहां पे ये सभी क्वेश्चंस आपके काम आएंगे। 37 राइट आंसर है इसका सी, कन्फ्यूशस वाद या कन्फ्यूजियन धर्म का। क्वेश्चन नंबर 38, हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा? क्वेश्चन नंबर 38 राइट आंसर है इसका बी। अरे यार सर, पढ़ने तो दो कम से कम, पहले ही आपने आंसर बता दिया। चलिए आगे आपको टाइम दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि सर्वोदय और बुधान आंदोलन से कौन सा संबंध है? चार ऑप्शन आपके सामने, पढ़ लीजिए आराम से, मैं नहीं बोल रहा, पढ़िए आराम से। आठ सेकेंड ओवर, राइट आंसर है इसका 39 का डी। आगे है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसमें द्रव्यमान की दृष्टि से अधिकतम प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? यूरिया में, साइनाइड में, कार्बोनेट में या फिर अमोनिया नाइट्रेट में? क्वेश्चन नंबर 40 राइट आंसर है इसका ए, यूरिया। क्वेश्चन नंबर 41, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नरसंहिता का शिकार हुए? रॉलेट एक्ट, मिंटो मार्ले सुधार, साइमन कमीशन, पिट्स इंडिया एक्ट? क्वेश्चन नंबर 41 राइट आंसर है इसका सी, साइमन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 42 है, नरम दल और गर्म दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? क्वेश्चन नंबर 42, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, विचारों में उतार चढ़ाव आने लगे, उसके बाद में इसका विभाजन हुआ 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, अगर ये वीडियो देखा होगा आपने लूसेंट का तो उसमें डिस्कस करा गया है। और उसके बाद हम बात करते हैं आपसे कि क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था?
लॉर्ड कार्नवालिस, पिट, लॉर्ड कैनिंग, रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 43, राइट आंसर है इसका सी, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 44, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है उनकी विशिष्ट ऊष्मा पर, गुप्त ऊष्मा पर, अपने अपने तापमान पर, या फिर उनकी अपनी अपनी मात्रा पर। 44 सही जवाब लगा लो, आराम से लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, टाइम लो। तो उसका राइट आंसर आपका सी, अगर आप रियल में ये मॉक टेस्ट ले रहे हैं, अपना फाइनल जो भी आपका ऑप्शंस में जो भी आपका आंसर बन रहा है उसको कहीं पे लिख रहे हैं, तो इस वीडियो का आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है रियल में। अगर आप पेन पेपर लेके नहीं बैठे हैं, बस केवल भगवत गीता की तरह इसको सुन रहे हैं, मैं प्रवचन दे रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अगर इस तरह के रूप में आप सुन रहे हैं तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, लेकिन बहुत 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 चिन्नक सा मिलेगा। तो इसलिए एक्टिव स्टूडेंट बनिए, पेन पेपर उठाइए, अपने आप को चेक करिए, अगर आप रियल में वीक हैं जीके पे तो उस पर कैसे काम करना है मैंने आपको बता दिया। स्टेट की जीके, लूसेंट बुक, समानांतर पढ़ते से चले जाइए अपना, और उसके बाद में ये मॉक टेस्ट के वीडियो आप अटेम्प्ट करना। अगर समय बहुत कम है, आप सोच रहे हैं कि 10 दिन बाद आपका एग्जाम होने वाला है, तो फिर आप जो कर रहे हैं फिर तो सब सही है, क्योंकि सरकारी जॉब पाना अब इतना आसान नहीं रहा है, वैकेंसी कम होती है, भरने वाले वे फॉर्म बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप ये सोचते हैं कि 10 दिन की तैयारी में आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अगर हो जाए तो कम से कम 10 किलो की काजू कतली अपने मोहल्ले में बांट देना, अगर 10 दिन की तैयारी में आपका हो जाता है तो। अगर नहीं होता है तो फिर अगले साल फिर दोबारा कोई ना कोई फॉर्म निकलेगा, भाई पुलिस का नहीं तो कोई कलर्क का निकलेगा, 10th पास में कोई पीओन का निकलेगा, उसे भरना फिर, लेकिन उसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब वो जमाने गए, वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात थी, अक्का बक्कड़ खेला, सिलेक्शन हुआ, आज हम सरकारी जॉब में बैठे हुए हैं। लोग कहते हैं ना ऐसा पहले था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, समझदार को इशारा काफी। वक्त आने पे अगर आपके अंदर ये गलतफहमी अब तक जिंदा है कि हाँ अक्का बक्कड़ वाला फॉर्मूला अभी भी अप्लाई होता है, तो वक्त आने पे आपको इसका एहसास ऑटोमेटिक हो जाएगा कि आप कितने सही हैं कितने गलत। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? क्वेश्चन नंबर 45, राइट आंसर है इसका बी, आभासी प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 46 है कि एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ पर है? चार ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 46, राइट आंसर है इसका सी, कवालोर। क्वेश्चन नंबर 47 है, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? विकिरण, संवहन, चालन, विसरण। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको परमानेंट मार्कर से माइंड में लिख लो, इसे पेंडर मत करना। अगर आपका आंसर गलत होता है ना, इसको तुरंत अभी याद करना, वीडियो को पॉज कर लेना, 1 घंटे स्क्रीन के सामने बैठे रहना, जब तक याद ना हो आगे बढ़ना मत किसी भी क्वेश्चन में इस वीडियो के। निकालिए इसका राइट आंसर, मुझे चाहिए इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 47, राइट आंसर है इसका ए, विकिरण। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 48, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है क्या? ए बी सी डी। स्टेटमेंट थोड़ी सी ऑप्शंस की विकल्प की लंबी है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 48, राइट आंसर, जल्दी पढ़ो जल्दी पढ़ो जल्दी पढ़ो जल्दी पढ़ो, डी, भोजन को स्वाद बनाना। हरियाणा से संबंधित एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन था, मैंने अभी एनबीटी पेपर में पढ़ा था, न्यूज़पेपर में, कि अभी हरियाणा में क्या होगा, 31 अक्टूबर को एक अनोखी शादी होने वाली है, मैरिज होने वाली है। इस शादी की खास बात ये है कि इसमें 8वां वचन जो होगा वो होगा अंगदान करने का। जानकारी के मुताबिक शादी में पिता तो कन्यादान करेंगे ही, लेकिन सभी बाराती जो भी आएंगी वो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे जिसमें अपना अंग को डोनेट करेंगे, चाहे वो आईज हो या फिर किडनी हो या फिर अदर कोई बॉडी का पार्ट क्यों ना हो, ये कंपलसरी होगा। अब देखते हैं बाराती में कितने बाराती जाते हैं,
जो लोग अपना अंग का दान करेंगे, तो ये कंपलसरी करा गया है उस मैरिज में, और ये चीज़ कहीं ना कहीं होनी भी चाहिए। थोड़ा बहुत तो दान करना चाहिए ना भाई, जाने के बाद आपकी आइज किस काम आएगी, किसी के काम आया तो गलत क्या है, तो दान करना चाहिए। देखिए इसमें क्या था कि रोहतक के गांव था, निर्थान निवासी आनंद कुमार की बेटी शिवानी की शादी दिल्ली के नरेला निवासी अश्विन के साथ सोनीपत में होगी, जहां पर ये रजिस्ट्रेशन होगा। तो देखिए क्वेश्चन से एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन काफी यूनिक इन्होंने ये प्रथा निकाली है। अभी हम बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, आयरन की कमी से क्या होता है? 49 राइट आंसर है इसका भी, अरक्तता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है क्या? कोलेजन, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन। 50 राइट आंसर है इसका सी, हीमोग्लोबिन। 51 नंबर है वृद्धि कर हार्मोन जो है बनाया जाता है किसके द्वारा, कौन सी ग्रंथि के द्वारा? चारों ग्रंथि आपके सामने दी गई है, चौथा है आपका हड्डियों के द्वारा। तो 51 सही जवाब जो बनेगा इसका बनेगा आपका पीयूष ग्रंथि द्वारा वृद्धि कर हार्मोन बनाया जाता है। 20 द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, हरित ग्रंथियों जो हैं वो किससे संबंधित हैं, जनन से, उत्सर्जन से, श्वसन या फिर पाचन से? 52 सही जवाब बी, उत्सर्जन से। क्वेश्चन नंबर 53 है, पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन बनाई गई है, ए बी सी डी, किसने बनाई थी? उसका नाम पूछ रहा है साइंटिस्ट का। 53 राइट आंसर है इसका बी, सॉल्क। आप केवल नाम याद करिएगा सॉल्क, ठीक है? सॉल्क ऑप्शन में आपको पक्का देगा, आपको जोनास या जोनास ई सॉल्क ना भी दे, केवल आपको देगा ऑप्शंस में ई सॉल्क, तो ये सॉल्क वर्ड आपको पक्का याद रखना है। और देखिए एग्जाम में जाने से पहले कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, आपका हरियाणा का या अदर स्टेट का, आपको विटामिन्स के बारे में पक्का पढ़ के जाना है। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी, जो भी विटामिन है, विटामिन के क्या काम करता है, खून का थक्का, खून का थक्का होता क्या है, ये सब चीजें आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। जिस दिन आपको स्टडी जी की अच्छे से याद हो जाएगी, ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। इसलिए मैं अगेन कहता हूँ, लुसेंट बुक को उठा लो, जो धूल मिट्टी खा रही है, धूल मिट्टी उसकी झाड़ो, और अपने आप अपने गले से उस बुक को लगा लो, लुसेंट जीके की बुक को ढंग से पढ़िए, वो बेसिक बुक है, पढ़ना पड़ेगा आज नहीं तो कल। या फिर दूसरा ऑप्शन है हाथ खड़े कर देना, सरेंडर कर दो कि यार नहीं हो पाया, किस्मत में नहीं था जॉब लगना सरकारी, तैयारी तो हमने खूब करी थी, सही डायरेक्शन ना हो ना तो सिलेक्शन नहीं हो पाता। डायरेक्शन होने के बाद भी कुछ लोग उसको फॉलो कर नहीं पाते, तो इससे बड़ा झोल कोई नहीं हो सकता। तो झोर वोर सब झाड़ो अपने, हटाओ और अपने आपको पॉलिश करो। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं कितना पॉलिश करते हैं हम इसमें अपने आपको। निम्न में से किस युग्म का विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? चारों ऑप्शन आपके सामने। 54 सही जवाब सी, कॉकरोच और सिल्वर फिश। आगे बात करते हैं, फोटोग्राफी है, प्लेटों में सिल्वर हैलाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? 55 चार ऑप्शंस आपके सामने, तो इसका राइट आंसर आपका बी, हाइपो सॉल्यूशंस में विलय होती है। पुराने तैल चित्र किसकी संरचना के कारण होते हैं? चार ऑप्शंस आपके सामने, थोड़ा टिपिकल है बट ये क्वेश्चन साइंस का है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। सही जवाब सी, शर्करा या मंड के किण्वन से प्राप्त होता है क्या? फिफ्टी 57 सही जवाब एथानॉल। क्वेश्चन नंबर 58 है, ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या? अमीटर, हाइड्रोमीटर, वोल्ट मीटर या फिर थर्मोकपल? 58 सही जवाब डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? हीलियम, जीनॉन,
ऑर्गन। 59 सही जवाब बी जिनॉन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत क्या है, डैश है, ये रिक्त स्थान जो है वो हमको फिल करना है इसमें, तो ये रिक्त स्थान फिल करिए। राज्यों का संघ है, क्या है, क्या संघीय राज्य है, ए बी सी डी सभी पढ़िए अब ध्यान से। खामोश, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप बताएंगे इसका सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब, एक नंबर अपना आपको दे डालिए। मुझे पता है काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, और ये आपको पक्का पता था। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत के संविधान के किसके अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, आर्टिकल 33, आर्टिकल 19। 61 सही जवाब, 33। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? आर्टिकल 352। राष्ट्रीय आपात स्थिति के बारे में बात कर रहा है आपसे, पढ़िए। 62 सही जवाब है इसका ए, अनुच्छेद 352। आगे बात करते हैं 63, विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है? चार ऑप्शंस ए बी सी डी यहाँ पर है, पढ़िए इसको दोनों को साथ में। 63 राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका डी। डी नहीं भाई, डी क्यों, खुश हो गए हैं? इसका राइट आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 64 है, ब्यूटी पार्लर में केश विन्यास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन या लोह आधारित? 64 सही जवाब है इसका सी, सिलिकॉन पर आधारित। आगे बात करते हैं 65, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? 65 राइट आंसर है ए, मुख्यमंत्री। अब देखिए इसके बाद जो भी क्वेश्चंस हैं आपके सामने ये आपको खुद हल करने हैं, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको आराम आराम से, ठीक है? इन सबको आप सॉल्व करिए, क्योंकि वीडियो की लेंथ 40 मिनट की होने वाली है, जिसमें मुझको अगर मैं सारे क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो 1 घंटे से ऊपर का वीडियो बन जाएगा, शायद आप बोर हो जाएंगे, और ज़्यादा लंबे वीडियो के व्यू वगैरह कुछ नहीं आते हैं, तो फ़ायदा कुछ होता नहीं वीडियो का तैयार करने का। तो इसलिए मुझे मैक्सिमम ये वीडियो उन बच्चों तक तो पहुँचाना जिसके पास बुक के लिए पैसा नहीं है, जो डिपेंड है केवल जियो की सिम पर, जो डिपेंड है 1 GB डाटा पर। तो इसलिए बुक परचेज आप भी मत करिए, वीडियो कंटिन्यू आपके लिए आते रहेंगे। बस आज का जो टारगेट है लाइक का, उसे आप पूरा कर दीजिए। टारगेट किया था 110 का दिया था ना मैंने आपको, तो 110 लाइक मुझे 24 घंटे के अंदर चाहिए, ठीक है? ये मेरी रिक्वेस्ट है, कोई ऐसा नहीं कि मैं बस कोई टॉप शॉप लेके, कोई मिसाइल लेके आपके ऊपर मैं कोई धावा बोल दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई मिसाइल मैन नहीं हूँ, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ कि मुझे मिसाइल लॉन्च करनी आती हो। बस एक रिक्वेस्ट है, 110 का एक टारगेट आपको दे रखा है मैंने लाइक प्रेस करने का, मैक्सिमम शेयर करेंगे ऑटोमेटिक वो लाइक जरूर करेंगे इस वीडियो को, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो देखिए 66 पढ़िए, 67 पढ़िए, 68 पढ़िए, इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए, सॉल्व करिए इसका आंसर। आगे क्वेश्चन है, ये वीडियो को पॉज कर लीजिए यहाँ पर। कनक कनक से 100 गुनी, ये आपका हिंदी अलंकार वगैरह पूछ रहा है हमसे। 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 तो ये रहा, 81, 82, 83, 83 का क्वेश्चन ये रहा, आधा यहाँ पर है, आधा इसके ऊपर रहेगा। 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91। देखिए जो मैट्रिक्स का जो ये क्वेश्चंस है ना, मैट्रिक्स वाला, एक्चुअली ये क्वेश्चंस पक्का करके जाना, कोई भी एग्जाम आपका होता है ना तो मैट्रिक्स की प्रैक्टिस एक्चुअली बच्चों को बहुत कम होती है, तो ये अब जो टॉपिक है वो हर एग्जाम में काम आ रहा है, तो उसको वहीं से नेट पे वगैरह, यूट्यूब वगैरह हो, आपके पास बुक वगैरह हो, वहाँ से सीख लो, और बहुत ईजी होता है ये। और ये वेन डायग्राम वगैरह जो होते हैं ये सब, मतलब थोड़ा सा वो भी देख लेना, ये आपका वेन डायग्राम। 94, 95, 96, 97, उसके बाद ही आपके आंसर की ऊपर के क्वेश्चंस 98, 99, 100, ये रहे, ये है कंप्लीट आंसर की। और इस बुक के एंड में कुछ दे रखे हैं राष्ट्रीय फूल और देशों के नाम, आंगल मराठा संघर्ष कब कब हुआ था, फर्स्ट सेकंड थर्ड कब हुआ था, सूरत की संधि कब हुई थी,
जी आप देख लीजिएगा, इस बुक के एंड में है। तो आंसर की फाइनली मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 से लेकर के 100 तक के आंसर की ये रही। वीडियो कहीं पे पॉज कर लीजिए, आपका जो भी फाइनल स्कोर बनता है आप एक बार टैली कर लीजिए, और अपना फाइनल स्कोर आप मुझे भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही, और अगेन कहूँगा इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए और तुरंत अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बहुत सारे नॉलेज के लिए आप इन सभी प्लेलिस्ट को क्लिक कर सकते हैं। इन सभी बुक की प्लेलिस्ट तैयार है, काफ़ी हद तक वीडियो बन चुके हैं। सबसे पहले अगर आप किसी भी कॉम्पिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस बुक को ख़त्म करें, उसके बाद में सेकेंड नंबर इस बुक को ख़त्म कर लीजिएगा। SSC के स्टूडेंट खासतौर पर, किसी भी स्टेट का SSC क्यों ना हो, ये दोनों बुक फिनिश करिए, उसके बाद में चाहें तो इसको क्लिक कर लीजिए ख़त्म। और बस इतना बहुत है, GS में आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन स्टेट वाले अपनी स्टेट की GK पढ़ेंगे पहले, उसके बाद में साथ साथ इस बुक को ख़त्म करेंगे, और उसके बाद डायरेक्ट जो भी आपका मॉक टेस्ट वगैरह इस प्लेलिस्ट में होगा, हरियाणा का है, दिल्ली पुलिस का है, तो मॉक टेस्ट जो भी है आप उसको देख सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इन सभी बुक की प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे कुछ इस तरह से। हर लिंक पे जिसपे आप जाना चाहते हैं उस पर क्लिक करें और डायरेक्ट वो प्लेलिस्ट आपके सामने खुल जाएगी। लेकिन किंतु परंतु, आप उस वीडियो को प्लीज़ 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 मैक्सिमम शेयर करेंगे अपने फ्रेंड के साथ में, आप भी आगे बढ़िए, औरों को भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। वैकेंसी एक नहीं निकलती, वैकेंसी बहुत निकलती है, आपको केवल एक वैकेंसी चाहिए। देखिए, आज आप किसी की हेल्प करेंगे, क्या पता वो यूट्यूब पर कोई एक नया वीडियो देखे जो शायद इससे भी बेहतर हो, मुझसे भी बेहतर। बहुत सारे चैनल जो हैं यूट्यूब पर अभी भी विराजमान हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं चैनल को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, किसी भी फालतू फंड के चैनल को, लेकिन देखिए मैंने उनको क्यों प्रमोट नहीं करा, उसका रीज़न मैंने आपको बताया था, क्योंकि उनके चैनल के वीडियो काफ़ी वाहियात थे, काफ़ी घटिया थे, काफ़ी वल्गर थे। ऐप इंस्टॉल करें, उतारे लड़कियों के कपड़े, मतलब अब मैं अपने स्टूडेंट को ये बोलूंगा, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके ऐप इंस्टॉल करो, लड़कियों के कपड़े कैसे उतारते हैं उस ऐप को सेटिंग करो उसकी, ऐसे ऐसे उस पर क्लिक करो। तो यार कुछ तो सोचो भाई, कुछ तो दया करो। एजुकेशनल चैनल पे तुम लोग ऐसे के ऐसे लिंक अपने शेयर कैसे कर सकते हो, और मुझे कैसे धमकी दे सकते हो कि मेरे चैनल को प्रमोट करो, वरना हम लोग आपके चैनल के वीडियो को हाँ डिसलाइक करेंगे, आपके चैनल को बंद करवा के रहेंगे, कंप्लेंट करेंगे, भाई सोचो। ठीक है, तो वो काम कर रहे हैं, उन्हें करने तो, जिनकी सोच इतनी घटिया होती है उनके बारे में मैं सोचना पसंद नहीं करता। तो यहाँ पे बस जो पढ़ने वाले हैं वो मैक्सिमम वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, आपसे मेरी ये गुजारिश है। और मैं आज किस वीडियो को प्रमोट करने जा रहा हूँ, देखिए प्रमोट मैं कर रहा हूँ, एक्चुअली वो डिज़र्व करते हैं, वो काफ़ी स्ट्रांग चैनल है। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, सर आप स्टेट PCS का या फिर UPSC की तैयारी क्यों नहीं करवाते हो। देखिए मेरा मेन टारगेट है बुक को लेकर के, मैं स्टार्टिंग में बेसिक बुक ख़त्म करवाऊंगा, और आज मैं जिस चैनल को प्रमोट करना चाह रहा हूँ, एक्चुअली मैंने उनसे कोई पैसा नहीं लिया है, ये मत सोचना कि मैं उसको प्रमोट कर रहा हूँ, मेरे पास उनका फ़ोन नंबर भी नहीं है, ना ही मैंने उनसे कभी बात करी है किसी भी तरीके से, लेकिन वो चैनल काफ़ी बेस्ट चैनल है अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो। काफ़ी सारे मुझे पता है कि मेरे चैनल के सब्सक्राइबर में से 80% स्टूडेंट उस चैनल को जानते होंगे, मेरा बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है उस चैनल का नाम, लेकिन फिर भी मेरे दिल से एक आवाज़ आ रही है कि यार वो पर्सनैलिटी काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हैं तो उनका नाम तो लेना बनता है। जी हाँ, वो चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो ये है वो चैनल, यूट्यूब पर सर्च करिए, इनका पूरा नाम टाइप भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जैसे आप स्टडी फॉर टाइप करेंगे ऑटोमेटिक इनका ये टैब नीचे खुल के आ जाएगा। ये है इनका आइकन, रियल में इनका बहुत बड़ा सेक्रीफाइस रहा है, मैं इनको 1.5 साल से फॉलो कर रहा हूँ, 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गया मैंने इनके चैनल को सब्सक्राइब करा था, और ये एक्चुअली सिविल सर्विसेज के ही वीडियो अपलोड करते हैं, और इनको जितना मैं सल्यूट करूँ उतना कम, शायद वो मेरी बातों को सुन रहे होंगे। अगर देखिए प्रमोट करने में सर, अगर आपको लगता है कि कुछ दिक्कत है, मैंने आपके यूट्यूब का चैनल का नाम अपने चैनल पर लिया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अगर आपको लगता है कि यार मैंने कुछ गलत बोला है आपके बारे में, तो मैं इस वीडियो को तुरंत रिमूव कर दूंगा, बट आप मुझे उसका कमेंट करेंगे मेरे चैनल पर सर। तो देखिए ये जो है ना, ये पर्सनैलिटी जो आपके सामने अभी मैं आपको दिखाता हूँ ओपन करके,
इनका फेस मैं आपको दिखाता हूँ कि नमस्कार ये दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, इस वीडियो में जितने भी फ्रिक्वेंटली आज जो क्वेश्चन होते हैं, कई सारे जो नए लोग आते हैं उनके लिए मैंने वीडियो बनाया है कि देखिए ये है पर्सनैलिटी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, आईपी के एग्जाम से रिलेटेड जैसे मैंने कई सारे वीडियो भी बनाए थे और लोग बोल रहे थे कि पीआईए डालेंगे, तो ये जो पर्सनैलिटी आप देख रहे हैं ये एक्चुअली एक हायर पोस्ट में पहले से बैठे हुए थे, मतलब अच्छी रैंक छोड़ करके अपनी सैलरी को पूरा सरेंडर करके अब बच्चों की सेवा कर रहे हैं। और इतनी हिम्मत हर एक के अंदर नहीं होती है, जो इन्होंने अपनी हिम्मत वाला इतना बड़ा काम दिखाया। अगर कोई मुझसे कहता है जॉब छोड़ दो तो शायद मैं जॉब नहीं छोड़ूंगा, कहीं ना कहीं मैं जॉब छोड़ने की सोच भी नहीं सकता किसी भी एंगल से। लेकिन इन्होंने देखिए फुल टाइम इसको अपना कैरियर बनाया और बच्चों के प्रति 24x7 ये समर्पित हैं। एक दिन में इनके काफ़ी सारे वीडियो आते हैं और लाइव स्ट्रीम करते हैं, लाइव मॉक टेस्ट करवाते हैं। एक्चुअली इनकी जितनी भी तारीफ करी जाए ना वो कम है अकॉर्डिंग टू मी। तो इनको मैं अपनी ओर से सलूट करता हूँ। और जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं अगेन बोलता हूँ, मैंने प्रमोशंस का इनसे कोई भी चार्ज नहीं लिया है। अगर आपके कमेंट्स ये आते हैं कि मैं इनके चैनल को प्रमोट कर रहा हूँ, मेरा चैनल बिकाऊ हो चुका है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं कहीं से भी। तो बस मन आया कि हाँ यार, प्रमोट प्रमोट करके मेरी लोगों ने जान खा रखी है ना, तो ठीक है। जो लोग ऐसी ऐप बनाते हैं फालतू, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकी बराबरी क्या, इनकी तुम 1% भी करके दिखा दो मुझको इनकी मेहनत का, मैं आपके चैनल को बिना कहे प्रमोट करूंगा सरप्राइज। और बोलिए, इनकी बराबरी शायद आप नहीं कर पाएंगे, ये डैम श्योर है। क्योंकि फालतू फंड के ऐप बनाने वाले ये जो आपके चैनल बन रहे हैं ना, आपको हैबिट एक्चुअली उस टाइप की नेचर की पड़ चुकी है, आप इतनी तो मेहनत नहीं कर सकते। ये तो मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। तो इसलिए यूपीएससी के जो बच्चे हैं जो मुझे काफ़ी कंटिन्यू काफ़ी टाइम से कह रहे हैं सर उसके लिए हम क्या करें, तो केवल कुछ मत करिए, इनको फॉलो कर लीजिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर लीजिए। और उसके बाद में और जैसे जैसे ये बताते हैं ना वैसे वैसे फॉलो करना। और ये अच्छा सपोर्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि देखो मैं तो फिर भी कमेंट बॉक्स में काफ़ी कम कम रिप्लाई करता हूँ, मैं व्हाट्सअप चेक नहीं करता। इनका व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह भी है, इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है, बट मैं कहीं पर भी नहीं हूँ। केवल मेरा एक ही चैनल है यूट्यूब चैनल, केवल उसी को फॉलो करता हूँ बस। मैं केवल मेरे पास नेटवर्किंग वाला कोई भी ऑप्शन नहीं है ना मैं ऑन करने वाला हूँ, ड्यू टू मेरे पास में टाइम की काफ़ी शॉर्टेज है। तो देखिए इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। एक ऑप्शन मैंने आपको दे दिया, अब शायद मैं आगे किसी चैनल को 1 साल तक प्रमोट नहीं करने वाला। हाँ, जो वो हैं कुछ लोग, मतलब जो चैनल हैं फालतू फंड के, अगर वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं 1 साल के अंदर अंदर तो मुझको बता दीजिएगा आप लोग, मैं आपके चैनल को प्रमोट करूँगा। लेकिन फालतू चैनल को प्रमोट नहीं करूँगा। 1 साल में मेरा पहला ये चैनल है जिसको मैंने प्रमोट करा है विदाउट एनी चार्ज, क्योंकि ये डिजर्व करते हैं रियल में कहीं ना कहीं, इसलिए मैंने इनकी आज चैनल को आपके सामने दिखाया है। तो यूपीएससी के जो भी एस्पिरेंट हैं इनको फॉलो कर सकते हैं। और मैं मुझे ये भी पता है कि मेरे चैनल के 80% सब्सक्राइबर इनको पहले से जानते होंगे। मैं तो अभी निकला हूँ निकल करके दिल्ली से, अभी भी मेरा चैनल बना है, मैं तो इतना फेमस नहीं भी हूँ, लेकिन ये काफ़ी टाइम से फेमस है। ये दिल्ली में रहते हैं और मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन हम लोग कभी मिले नहीं हैं। मेरा फ़ोन नंबर इनके पास में नहीं है, मेरा फ़ोन नंबर ना इनका फ़ोन नंबर मेरे पास में है, तो हम लोगों के फ़ोन नंबर नहीं है, हमने कभी बात नहीं करी, कुछ नहीं करी। बस ऐसे ही मन आया, काफ़ी टाइम से मैंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा था, मैं कंटिन्यू इनके वीडियो को वॉच करता हूँ। इनके इनके लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव भी आए हैं, लोगों से इन्होंने सपोर्ट मांगा भी है और लोगों ने सपोर्ट नहीं भी कराए, नहीं भी कराए, जी हाँ। तो सर, अगर मेरी बात का किसी भी बात का बुरा आपको लगा हो तो उसके लिए मैं बहुत बड़े वाला सॉरी बोलूंगा, मैंने आपके चैनल को प्रमोट करा बिना आपके परमिशंस के। अगर आपको इसकी बात का बुरा लग रहा हो तो प्लीज मुझको बता दीजिएगा, मैं यहाँ तक का जो भी आपके मैंने स्टार्टिंग करी है चैनल की वहां तक इस वीडियो को मैं क्रॉप कर दूंगा, एडिट करके इसको मैं रिमूव कर दूंगा, सॉरी सॉरी सॉरी। और देखिए बात करता हूँ मैं बच्चों से, तो ठीक है, इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डीमोटिवेट मत होना, मैं हूँ आपके साथ में, ठीक है, डीमोटिवेट नहीं होना, नंबर कम आते हैं जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, सिंपल वैसे वैसे आपको चीज़ों को फॉलो करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।